again in your EBS class. Students, in this class we have finished chapter number 7. The name of the chapter was Air. Okay, so today we will start our new chapter, chapter number 8. The name of the chapter is Water. Water, it means Jal. Clear? Students, all the living things like human beings, animals and trees need air, water and food to live and grow. Students, जिस तरह से सभी living things को breath यानी कि सांस लेने के लिए air की आवश्यकता होती है, same वैसे ही सभी living things को water और food की भी आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से वो, जिसकी help से वो live यानी कि जीवित रहते हैं और grow करते हैं. Clear everyone? So students, सभी living things जैसे कि human, animals, trees, insects, इन सभी को जीवित रहने के लिए, survive करने के लिए air, water और food, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है? Students, without food, air and water, we cannot survive. बिना भोजन, वायु और जल के हम जीवित नहीं रह सकते. ठीक है, तो हमें जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है. हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते. किनके बिना? एयर, वाटर एंड फूड के बिना. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 34. वी नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो. हमें जीवित रहने के लिए और ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. Without water, we cannot survive. बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते. Next है uses of water, यानी कि जल का उपयोग. अब water का use हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, किन किन कार्यों में करते हैं, उसे हम जानेंगे. So water is used for drinking, cooking, bathing, cleaning the floor, washing, putting out a fire. So students, हम जल का उपयोग ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए, कुकिंग यानी कि खाना पकाने के लिए, बाथिंग यानी कि नहाने के लिए, क्लीनिंग द फ्लोर अपने फ्लोर को साफ करने के लिए, अपने घर के फर्श को साफ सुथरा करने के लिए. नेक्स्ट है वॉशिंग, अपने क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, और इसके साथ साथ अगर कहीं पे आग लग गई हो तो उस आग को बुझाने के लिए भी हम वाटर का यूज करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था दैट एयर इज नीडेड टू फायर बर्न. बच्चों, आग चलाने के लिए एयर की आवश्यकता होती है, ठीक है? सेम वैसे ही आग बुझाने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. क्लियर? नेक्स्ट है एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो. एनिमल्स यानी कि जानवर और प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, तो इन्हें भी जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. बिकॉज दे आर आल्सो लिविंग थिंग, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी लिविंग है. मैंने अभी आपको बताया दैट ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग, एनिमल्स एंड ट्रीज नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव एंड ग्रो. सभी लिविंग थिंग्स को एयर, वाटर और फूड की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए और इसके साथ साथ ग्रो करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी कि जल के स्रोत. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन आर नेक्स्ट सेशन. हम अपने नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क एंड क्लास वर्क. स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज आंसर्स इन होमवर्क रजिस्टर. आपको ये सभी आंसर्स अच्छे से लर्न करना है और अपने होमवर्क रजिस्टर में राइट करना है. यही आपका होमवर्क है. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू यूजेस ऑफ वाटर. यहाँ पर आपको वाटर के कोई भी टू यूजेस यानी कि कोई टू उपयोग लिखना है. क्लियर? सो इट्स आंसर इज वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. ड्रिंकिंग यानी कि पीना और कुकिंग यानी कि खाना पकाना. ओके, तो जल का प्रयोग पीने,
और खाना पकाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने ओनली टू यूजर्स लिखा है, तो आप भी ओनली टू यूजर्स ही राइट करोगे, एनी टू, ठीक है। लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा, ओके। आप इनमें से कोई भी टू यूजर्स राइट कर दोगे, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर शुड वी ड्रिंक इन अ डे। ड्रिंक का मीन्स होता है स्टूडेंट्स पीना, ठीक है। तो हमें एक दिन में कितने ग्लासेस ऑफ वाटर पीने चाहिए, सो इट्स आंसर इज 8। वी शुड ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। हमें एक दिन में 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें एक दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, क्लियर। स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज आंसर्स इन योर होमवर्क रजिस्टर। दिस इज योर होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।